हम तो बड़े खुश हुए, बच्चे चंचल ज्यादा बच्चों को कुछ करने को चाहिए। ना कुटिया के बारे में बता दीजिए गुरु जी, थोड़ा सा कुटिया के बारे में बता दीजिए। कुटिया जो है परम पूजनीय है ब्रह्मलीन स्वामी वेद व्यासन जी महाराज नैमिषारण्य में वर्षों तपस्या करने के बाद इधर आए और उन्होंने 1957 में यहाँ पे रहने का विचार किया। उन्होंने पहले फूस की झोपड़ी बनाई और पर्ण कुटी बनाई और 3 पुरुष चरण किए गायत्री के, 24-24 लाख की गायत्री यहीं की उन्होंने अनुष्ठान किया। तो अंदर से भगवती और किरणें आई, क्या विश्व में गीता का प्रचार। उन्होंने फिर इसका संकल्प लिया कि इसका नाम गीता आश्रम रखा जाए। अच्छा अच्छा। तो लगभग ये पहले देसी 60 बीघे हैं, यहाँ के 120 बीघे हैं। अच्छा अच्छा। लगभग 2 हेक्टेयर से ऊपर जमीन है। अच्छा अच्छा। और ये भूमि सारी उनके नाम थी। हाँ ये तो पापा बता रहे थे। खरीद करके बनाई तो वो एकमात्र 92 तक वो यहाँ रहे। जी जी। लेकिन बाद के समय में शरीर की शीतलता आने से जी वो कश्मीर कुटी चले गए, जहाँ अच्छा, हम ले जा रहे हैं आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कश्मीर कुटी में रहने लगे। यहाँ फिर एक साधिका आई अमेरिका से। अच्छा। उसने बड़ी तपस्या की। अच्छा। न्यूयॉर्क में हनुमान टेम्पल बनाया उसने। अच्छा अच्छा। ज्ञान मुनि की शिष्या थी किसी की। अच्छा अच्छा। और आजकल वो महामंडलेश्वर के बराबर के समकक्ष है वहाँ पे। अच्छा। गुरु माँ ज्योतिषा में। अच्छा। न्यूयॉर्क हनुमान टेम्पल है आपका। महाराज जी को कई बार उसने इनवाइट किया, यहाँ के शिष्यों को बुलाया, ट्रेनिंग दी और गुरु जी ने वहाँ संपन्नता देख करके एक गीता आश्रम भी बना दिया। अच्छा अच्छा। अमेरिका वाशिंगटन। और उसके प्रथम संचालक रहे हमारे स्वामी शांतानंद जी। अच्छा अच्छा। और वहाँ एक ट्रस्ट की भी बुनियाद डाली गई, नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा। उसी की पैटर्न पे यहाँ ट्रस्ट बनाया गया 95 में। अच्छा। तो गुरु जी लगभग 92 में ब्रह्मलीन हुए और 92 से 93, 94, 95 में यहाँ पे स्वामी शांतानंद जी ने सोचा इस मंदिर का निर्माण किया जाए। 2-3 साल में मंदिर का निर्माण किया, सदगुरु समाधि मंदिर। तो ये आपके सामने जिसमें विभिन्न झांकियां हैं भगवान की, अनेक झांकियां। और इस समय उत्तराखंड में लक्ष्मण झूले से लोग आते हैं और यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों हजारों लोग दर्शनार्थी सारे देश से विदेश से यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और राम झूले से पार हो जाते हैं। तो ये दर्शनीय स्थलों में उत्तराखंड में ऋषिकेश में जो ये आपका क्षेत्र है लक्ष्मण झूला और राम झूला के लक्ष्मण झूला और राम झूला के बीच में जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये आपके सड़क के ऊपर सुप्रसिद्ध एक गीता प्रचार केंद्र है। अच्छा। इसमें अनेक प्रकल्प है। आज हम लोग साधना के लिए प्रत्येक को छूट दी जाती है, व्यवस्था दी जाती है रहने की खाने की। तो अनेक साधक और गुरु जी का पढ़ाए हुए अनेक विद्यार्थी यहाँ आज भी काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। आप चलते हैं आगे।